एक्स्ट्रा कैसा कर लेना है, रिफ्रेश वगैरह कर लेना है गैस, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसका फिर से मैं इसमें टैप करता हूँ गैस, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे फिर से मैं कॉन्टेस्ट में यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, तो कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, चल गया, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलो कि मैं एक जो कि यहाँ पर टीम सेलेक्ट कर लेता हूँ गैस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक जो कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए टीम सेलेक्ट कर लेता हूँ गैस, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक टीम सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैं बैटिंग को और एक ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर दिया। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कैप्टन वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लिया कैप्टन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कि सेव टीम पे टैप कर दिया। उसके बाद गैज यहाँ पे जैसे देख सकते हो गैज कि यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट यहाँ पे जो कि ज्वाइन कॉन्टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है गैस, ठीक है। मतलब आपका जो प्रॉब्लम था जो कि प्रॉब्लम 100% जो कि यहाँ पे जो कि सॉल्व हो गया गैस, ठीक है। तो अगर सो गैज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं कोई सा भी एक मैच में जैसे ज्वाइन करता हूँ गैज यहाँ पे, सो गैज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कि ज्वाइन नहीं हो रहा है गैस, ठीक है। कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है गैस, ठीक है, जो कि माय 11 सर्कल में। सो गैज अगर आपका भी कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है आज का वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और सॉल्व करके भी दिखा देंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल नंबर लगा है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कोई सा भी जैसे मैच में यहाँ पे कॉन्टेस्ट कोई सा ज्वाइन करता हूँ गैस यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कि ज्वाइन नहीं होता है गैस, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइन पे टैप करता हूँ, तो ज्वाइन पे टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो कि प्रॉब्लम जो कि आ रहा है जो कि यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने भी कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम जो कि सामना करना पड़ रहा है आपको, तो इस प्रॉब्लम को आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्व करके दिखाने वाले हैं और आपको किस प्रकार से करना है वो भी हम बताने वाले हैं गैस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो कि 129 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं एड कैश करता हूँ गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, तो यहाँ पे एड कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा गैस, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं इजीली एड कर सकता हूँ, मगर कोई सा जैसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ तो कॉन्टेस्ट मतलब यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहा है गैस, ठीक है ना। अगर आपका एड कैश में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना कर रखा हूँ, तो उसका भी लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपका जो कि एड मनी नहीं हो रहा तो आ जाके उस वीडियो को आप देख लेना, आपका एड मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसका आज का वीडियो हम बताने देने वाले हैं कि अगर आपका कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं होता है तो उस फेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो कि आपका जो कि कॉन्टेस्ट जो कि 100% ज्वाइन हो जाएगा गैस, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो फिर से नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गैस कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कि माई 11 सर्कल को यहाँ पे जो कि आपको दबा के रखना है, ठीक है, दबा के रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चल जाना है एफ इन्फो पे, ठीक है, एफ इन्फो पे जाना है। एफ इन्फो पे जाने के बाद आपको क्या करना है गैज कि यहाँ पे आपको जो कि देख सकते हो कि परमिशन का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो परमिशन का ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि एलेवा क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कि डन एलेवा पे आपको कर देना है टैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है, बैक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कि टेक कर लेना है लोकेशन में, यहाँ पे भी आपको डन एलेवा कर लेना है गैज, ठीक है। तो चलो यहाँ से भी डन एलेवा कर दिया गैज में। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा जो कि देख लेना, पूरा आपको यहाँ पे जो भी है पूरा डन एलेवा आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो कि कुल मिला के मेरा डन एलेवा हो गया है पूरा, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है गैस, डन एलेवा करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है बैक गैस, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद क्या करना है गैस आपको, फिर से आपको यहाँ से बैक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो मैं 11 सर्कल है वो इस प्रकार से ऊपर कर लेना है, ठीक है, क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करने का, फिर से मैं 11 सर्कल को ओपन कर लेना है गैस, ठीक है। तो चलो मैं फिर से इसको ओपन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एलेवा कर लेना है, ठीक है। एलेवा करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जस्ट वेट करने के बाद आपको क्या करना है गैस कि यहाँ पे जैसे फिर से मैं मैच में जैसे पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ज्वाइन करता हूँ गैस, तो गैस ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ पे सामना आ रहा है गैस, ठीक है। तो अगर फिर से यही प्रॉब्लम आ रहा तो फिर आपको इस फेस पर क्या करना पड़ेगा गैस, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक कर लेना है। उसके बाद आपको चल जाना है प्ले स्टोर पर, ठीक है गैस। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो कि टैप कर लेना है जो कि लोकेशन चेंजर, ठीक है, लोकेशन चेंजर आपको टैप कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आ जाएगा जो कि देख सकते हो एप्लीकेशन लोकेशन चेंजर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लोकेशन चेंजर एप्लीकेशन को यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो इसका कुछ लोगो इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बैक आ जाना है सीधा, ठीक है। उसके बाद आपको चल जाना है अपना मोबाइल का सेटिंग पे गैस, ठीक है। तो मैं आ गया सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे टैप कर लेना डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं डेवलपर ऑप्शन टैप करके सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका डेवलपर ऑप्शन सर्च करने के बाद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है गैस, तो आपको यहाँ से चल जाना है बैक। उसके बाद आपको अपना मोबाइल का चल जाना है
अबाउट फ़ोन पे, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं आ जाता हूँ अबाउट फ़ोन पे। यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि वीवो V23 5GB, यहाँ पे जैसे ऊपर अबाउट फ़ोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टैप। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज कि नीचे आपको जाने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो सबसे ऊपर है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि बेल्ट नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बेल्ट नंबर पर आपको 7 बार टैप कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जैसे 7 बार टैप किया, उसके बाद आपके सामने पिन मांगेगा, ठीक है। पिन मतलब क्या कि आप जो भी अपना मोबाइल में लॉक लगा के रखो स्क्रीन लॉक, वो आपको डाल देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन लॉक डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ से कर लेता हूँ ओके। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना कि बैक आने के बाद फिर से आपको जाना है अपना मोबाइल का सर्च बार में। सर्च बार में सेटिंग का जाने के बाद फिर से आपको डेवलपर ऑप्शन टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपका जो कि डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे जो कि आ जाएगा, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब बेल्ट नंबर पर जाकर 7 बार टैप करना है, फिर आपका आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। आने के बाद आपको क्या करना है कि डेवलपर ऑप्शन पर आपको टैप कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि डेवलपर ऑप्शन मेरा यहाँ से ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका ऑफ रहेगा इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से आपको जो कि इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो मेरा वन है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो कि चेक कर लेना है, यहाँ पे आपको खोज लेना है कि सिलेक्ट मूव लोकेशन है आप कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि मैं इसको देख लेता हूँ गाइस कि कहाँ पर है। हर देखो हर मोबाइल का सेटिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी का बीच में है, किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि लेकिन वही होगा, ठीक है। सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप जो कि मेरा अभी वीवो फ़ोन है, ठीक है। तो आपका अगर रेडमी रियलमी या सैमसंग है, तो आपका ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको यहाँ से अपने हिसाब से चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा नीचे है सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप, जैसे देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कर लिया टैप। उसका यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि वो एप्लीकेशन जो अभी डाउनलोड किए थे जो यहाँ प्ले स्टोर से लोकेशन जो कि चेंजर, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपका शो होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर टैप कर लेना है। इस एप्लीकेशन पर टैप करने के बाद गैज आपको यहाँ से जो कि सीधा बैक आ जाना है गैज, ठीक है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि उस एप्लीकेशन पर चल जाना है, ठीक है, जो अभी आप डाउनलोड किए थे सिलेक्ट जो कि लोकेशन चेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि लोकेशन चेंजर एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें टैप कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे टैप कर लेता हूँ। यहाँ पे टैप करने के बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा वेट कर लेना। उसका यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे यस कर देता हूँ मैं, ठीक है। यस करने के बाद थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि एड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एड को मैं क्या करता हूँ गाइस, तो आपको एड को देख लेना है गाइस। तो जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे एड जो कि मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं कट के ऑप्शन पे टैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे नीचे के देख सकते हो, यहाँ पे आपका सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा शायद, ठीक है। मेरा यहाँ पे तेलंगाना लिखा हुआ है, अगर आपका कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उसको आपको कैंसिल कर देना, नहीं तो अगर सर्च का ऑप्शन भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे टैप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो मेरा तेलंगाना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ गाइस। आपका सीधा यहाँ पे जो कि सर्च का ऑप्शन भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, सर्च का ऑप्शन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं टैप कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या कर लेना है कि यहाँ पे आपको हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर बिहार हो गया, मतलब जो स्टेट में बैंड है वो स्टेट नहीं डालना है। जिस स्टेट में बैंड नहीं है वो स्टेट यहाँ पर डालना है, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जो कि बिहार लिख देता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं बिहार लिख देता हूँ गाइस। सो गाइज यहाँ पे जैसे देख सकते हो मैं बिहार लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। टैप करने के बाद क्या करना है गाइज, आपको जो कि देख सकते हो स्टार्ट का ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन दिखाई देगा गाइज, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो सर्च का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पर टैप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च का ऑप्शन पर यहाँ पर टैप कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो सर्च का ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो गाइज कि नीचे यहाँ पे जो कि बिहार शो हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे बिहार शो हो गया, ठीक है। तो नीचे बिहार शो हो गया तो ऊपर भी आपको बिहार शो होगा, लेकिन अभी देख सकते हो मेरा बिहार शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फिर से वेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। स्टार्ट का ऑप्शन पे टैप कर दिया, उसके बाद फिर से आपको अलावा कर लेना है। अलावा करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। सर्च का ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा नीचे तो बिहार सेलेक्ट हुआ, प्लस आपको यहाँ पे ऊपर भी जो कि बिहार सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नीचे हो गया और बिहार में अगर ना ऊपर में अगर ना सेलेक्ट हो कट हो तो आपका नहीं होगा काम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको नीचे भी बिहार का ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए और ऊपर भी, यहाँ पे जैसे देखे तो, ठीक है। अगर आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ से आपको आ जाना है बैक, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ पे माई 11 सर्कल को ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद आपको क्या करना है गैच कि थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से जैसे देख सकते हो कि मैं कोई सा कॉन्टेस्ट एक ले लेता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा कॉन्टेस्ट लेने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन पे जैसे मैं टैप करता हूँ, तो ज्वाइन का ऑप्शन पे टैप करने के बाद फिर से अगर यही प्रॉब्लम आ रहा है आपका, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से अगर यही प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बैक। उसके बाद यहाँ पर ड्रीम इलेवन को दबा कर रखना है, उसके बाद यहाँ पर आ गया जो कि देख सकते हो ऐप इन्फो आ गया, ठीक है। ऐप इन्फो पर टैप कर लेना, उसके बाद क्या करना है गैच यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि आपको इसका पूरा क्लियर डाटा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर क्लियर कैंची कर दिया, क्लियर स्टोरी कर लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा गाइस कि आपका जो कि पिछले क्लियर डाटा है पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लियर डाटा कर दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे जो कि फोर स्टॉप भी कर लेना है, ठीक है। फोर स्टॉप भी मैं यहाँ से कर लिया। फोर स्टॉप करने के बाद आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से करके यहाँ से आपको ऊपर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से माई इलेवन सर्कल को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे अलावा कर लेना है, ठीक है। अलावा करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट गाइस। सो गाइस यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको क्या करना है गाइस, लॉगिन करने के बाद बैक आने के बाद फिर से आपको माई इलेवन सर्कल को दबा के रखना है। उसके बाद आपको ऐप इन्फो पे जाना है। ऐप इन्फो पे जाने के बाद आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ पे आपको परमिशन का ऑप्शन पे जाना है। परमिशन का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन पे जैसे तो अलावा क्या हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डन अलावा कर लेना है। डन अलावा करने के बाद फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जाने के बाद पूरा आपको चेक कर लेना है कि पूरा आपका डन अलावा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा पूरा यहाँ पे डन अलावा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पूरा एक तरफ से चेक कर लेना है जो कि आपका पूरा ये डन अलावा होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मेरा जो कि डन अलावा है गाइस, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो ऑल परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं क्लिक करके हम अब यहाँ से बैक चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बैक आ जाता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ से क्या करता हूँ कि माई इलेवन सर्कल को ओपन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ओपन होने देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसको इस प्रकार से आपको रिफ्रेश कर लेना है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे इस प्रकार से कर लेना है, रिफ्रेश वगैरह कर लेना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं इसमें टैप करता हूँ गाइस, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे फिर से मैं कॉन्टेस्ट में यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, तो कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, चल गया, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलो कि मैं एक जो कि यहाँ पर टीम सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक जो कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए टीम सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक टीम सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैं बैटिंग को और एक ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर दिया। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि कैप्टन वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लिया कैप्टन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कि सेव टीम पे टैप कर दिया। उसके बाद गैज यहाँ पे जैसे देख सकते हो गैज कि यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट यहाँ पे जो कि ज्वाइन कॉन्टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है गैस, ठीक है। मतलब आपका जो प्रॉब्लम था जो कि प्रॉब्लम 100% जो कि यहाँ पे जो कि सॉल्व हो गया गैस, ठीक है। तो अगर आपका इस प्रकार से प्रॉब्लम जो कि आ रहा था तो जो आपको पता है मैं वो अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो 110% जो कि आपका 110% आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाला है गैस, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं आपको बताया उस प्रकार से आप फॉलो करते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है गैस, ठीक है। सो गैस कैसा लगा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस चैनल में आपको अर्निंग से रिलेटेड ढेर सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाता है और आपको प्लस हर जो कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। सो गैस अगर आपका और कोई अदर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रॉब्लम को कॉमेंट में लिख देना और उस एप्लीकेशन पर नाम लिख देना गैस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ओके बाय, आज के लिए इतनी था। ओके बाय, टेक केयर।